सीन ये कि बस स्टॉप पहुंच गए हैं, जो कि हमें अपना एयरपोर्ट लगता है। और सीन ये है कि बस टिकट करवानी है भाई। देखो सीन ये है कि सक्कर पहुंच गए हैं, मुंह से दुआ निकल रहा है और सर्दी यहाँ से शुरू होती है। वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। सॉरी क्या हाल है पता नहीं कहाँ से आगे बीच में। तो गाइस सीन ये है कि फुल पैकिंग शैकिंग चल रही है। ओ माय गॉड, रखो रखो, शर्माओ नहीं। पैकिंग शैकिंग हो गई, लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ 3 या 4 दिन के लिए, जल्दी जल्दी वापसी है। तो सीन ये है कि लाहौर ब्लॉग चलते हैं, क्या सीन बनता है बताता हूँ तुम लोग को, क्या मज़ा आता है। आज मिलती है बस, नहीं मिलती यू नेवर नो। ख्वारी तो मुझे फीलिंग आ रही है ख्वारी होने वाली है। क्यों जवाब, तुम ख्वार हो गए, मुझे क्या है। कैसे हैं आप लोग, वापसी आ गया हूँ मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। अहमद भाई तो अभी लाहौर के लिए निकल जाएगा ना, सामान वाना ले लिया है, ब्रश वगैरह। मैं आपको इधर से मौसम नहीं दिखाऊंगा, मौसम कहीं और से दिखाऊंगा। कहाँ से, गेली से। आ गया हूँ अपनी गेली, जहाँ पे बाजार होता है कपड़ों का। मौसम दिखाने आया था, कोई और बातें कर रहा हूँ, लेकिन मौसम आपको पता चल गया होगा। आप भी कराची में रहते हैं, मेरी आँखों से यहाँ नहीं रहते, तो आपको ये पता चल गया होगा। देख लो अब मौसम, बादल प्यारे हुए, सूरज की कपती हुई धूप, गाय किचरा खा रही है। अरे जवाब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी किचरा खा रहा है, घर में खाना नहीं मिलता। अबे साले। सो गाइस सीन ये है कि हम डिफेंस जा रहे हैं और रश चेक करो, आहा इतना ट्रैफिक है, पता नहीं क्यों शायर फसल पे वैसे होता नहीं है आज, पता नहीं क्यों इतना ट्रैफिक है। सो आज ये बस काम निपटाना है, फिर मैंने लाहौर के लिए निकलना है। गाइस सीन ये है कि लाहौर के लिए निकल गए, मतलब अभी घर से निकल चुके हैं। ये जानू कि मैंने थोड़ी चीज़ें उठा ली, एक मैंने ऊपर ही खा ली और एक अभी हाथ में पकड़ी है। तो सीन ये है कि बड़ा मज़ा आने वाला है, इतना मैं दिखाऊँगा नहीं रास्ते का सफ़र आज इस बार, क्योंकि वो मैं दिखा चुका हूँ, इस बार तफरी दिखाऊंगा। चप्पल उतार के इधर रखूँगा, वैसे ही मेरा इतना सामान पड़ा रहता है, ये वाली चप्पल पहनूंगा। तो पहले ये ख्वारी कर लें। आज आपका भाई बड़ा टाइट लग रहा है कसम से। सीन ये कि बस स्टॉप पहुँच गए हैं, जो कि हमें अपना एयरपोर्ट लगता है। और सीन ये कि बस टिकट करवानी है मैंने, और सामान रखवाना है, ये सारा सामान है। सीन ये है कि बस में बैठ गया, अब यहाँ से सफ़र शुरू होता है। अभी निकले नहीं है, 9:15 पर निकले हैं, अब पूरा 9 बज रहा है। तो इतना मैं नहीं दिखाऊंगा इस बार सफ़र में क्या होता है, लेकिन मज़ा आएगा वो दिखाऊंगा। सीन ये है कि हैदराबाद पहुँच गया, और इतने टाइम बाद मुझे हैदराबाद में ठंड समझ आ रही है। अभी आपका बहुत अच्छा दोस्त आने वाला है मेरा और आपका, वो जैसे ही आता है मैं तुम लोग को मिलवाता हूँ। देखे जी, देखे आपका बहुत अच्छा दोस्त आया है, देखे मैंने क्या बोला। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मेरी जान, ठीक लाओ भाई बिरयानी। स्टिंग लेके आ रहा हूँ, बाकी इतनी जल्दी भगाई गाड़ी। ब्रस्टिंग लेकर आओ जल्दी से। ठंड है ना हैदराबाद में, मस्त मस्त ठंड हुई है। देखो व्लॉग में तफरी आपका भाई नहीं करा है, अली से मिले। अली कैसे हैं आप, ठीक है। आप सुनाओ कहाँ जा रहे हो अचानक लाहौर। चलो बैठो बस में, बाइक खड़ी करो, चलते अब टोपी साले। हाँ अली लाया भाई बिरयानी, मैं तो हार के साथ ही खाऊंगा, तुम लोग को पता है मेरा बिरयानी हैदराबाद की बिरयानी। भाई देखो सीन ये है कि सक्कर पहुंच गए, मुंह से दुआ निकल रहा है और सर्दी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हम कराची वालों को तो सर्दी नसीब होती नहीं है। ठंडी बिरयानी लेने में आ गया हूँ फिर से, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैंने बोला ले लेते हैं, पैसे वसूल कर रहे हैं। ठंड तो सारी यहाँ पे, मतलब कराची वालों ने कौन सा गुनाह किया है। मुल्तान पहुँच गए हम लोग, और बस 3 घंटे बाद लाहौर भी पहुँच जाएंगे। Yes.
तो गाइस सीन ये है कि आपका भाई लाहौर दोबारा पहुंच गया है। लाहौर, आई मिस यू गाइस। सीन ये है कि फाइनली वी आर इन द लाहौर। लाहौर, लाहौर की खुशबू, लाहौर की सरके, लाहौर है, कराची उसका शहर है। सो गाइस सीन ये है कि 4:30 बज रहे हैं, लाहौर का ठंडा ठंडा मौसम, मुस्तैदी, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और लाहौर पहुंच गए। क्या बात है, व्यू चेक करो भाई, लिमोजिन देखो सामने। गाइस सीन ये है कि होम स्वीट होम घर पहुंच गए हैं, सामान रख लिया और अपना अल्लाह आपका भला करे। मैंने अभी अभी नगेट्स बनाए खाए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी मुझे, क्या करें। और सारे दोस्त मेरे बिजी हैं, मतलब तमीज़ ही नहीं है, सामान मेरा इधर पड़ा, तमीज़ ही नहीं है। गाइस आज हमारे हमजा भाई की बर्थडे है, ये हमने सेटअप किया पूरा। क्या बात है, हमजा भाई ने खुद किया है, हमजा भाई ने खुद किया है। क्या बात है, चलो हैप्पी बर्थडे। काटो ना, टाइम नहीं हुआ अभी तक, एक मिनट। चलो वो गाना चलाओ। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।